एक्सेल के पेज लेआउट मेनू को कवर करूँगा। इससे पहले मैंने होम मेनू को कवर किया है पूरा, और इंसर्ट मेनू को मैंने कवर किया है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे पिवट टेबल का कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, कुछ जो खास टॉपिक हैं मैंने उनका अलग वीडियो भी बनाया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सोशल फ्रेंड को आप वीडियो देख सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं और कैसे पूरा काम करते हैं, और प्रिंट एरिया कैसे यूज़ कर पाएंगे, बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे, और प्रिंट टाइटल्स का कैसे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि थीम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पहले हमारे पास है थीम। देखो, थीम अप्लाई करने के लिए अगर नॉर्मली हम थीम अप्लाई करते हैं, क्लिक किया हमने, यहाँ पर हमें थीम दिख रहा होगा, तो ये अप्लाई हो रहा है, बहुत ही हल्का में समझ में आ रहा है, लेकिन ये इसका फॉन्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर इसको समझना हो तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं इसको बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई हम डेटा एंट्री का फॉर्म बना सकते हैं, या कोई स्लिप बना रहे हैं सैलरी स्लिप, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। हमने यह बना लिया एक छोटा सा काम, जैसे क्या, हमने लिखा सीरियल नंबर, इसमें हमने लिख दिया एम्प्लॉय नेम, और इसमें हमने लिख दिया सैलरी, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और वर्किंग डेज, और इस पर हमने बना दिया पेमेंट। यहाँ पे हम सीरियल नंबर ऐड करेंगे, और जितने भी मेरे पास सीरियल नंबर होंगे उनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा है, हम यहाँ पे किसी का नाम देंगे, हमने लिख दिया आयान, और इनका सैलरी हमने दे दिया 30,000 रुपये। और हम वर्किंग डे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वर्किंग डे इस तरह से कि किसी भी कंपनी में जो काम किया जाता है वो 30 दिन को माना जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बेस है कि आप 30 दिन में अगर डेली आते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिया जाए, अगर आप एक भी लीव करते हो तो उसके अकॉर्डिंग पैसा डिडक्ट हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि 30 दिन ही आते हैं, तो 30 दिन का सैलरी कितना होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमें एक और चीज़ बनाना है, जैसे हमने बना दिया विहान, और इनका सैलरी दे दिया हमने 45,000, और ये कंपनी में 25 डे, ये 25 दिन गए हैं, तो इनका हमें पेमेंट निकालना है। इज इक्वल टू करेंगे हम, और सैलरी को हमने क्लिक किया, डिवाइड करेंगे हम 30 से, और मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको हम ड्रैग कर लेंगे, तो ये आप देख सकते हो। इसमें करना क्या हमें, तरीका ये है इसका कि इज इक्वल टू करो सैलरी डिवाइड बाई 30 डेज मल्टीप्लाई बाई वर्किंग डे। इस तरीके से आपको मालूम चल जाएगा कि जैसे ये 45,000 था, 25 दिन उन्होंने ड्यूटी किया, तो इनका 25 दिन का सैलरी कितना होगा, 37,500 रुपये। इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हो या कहीं भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको बहुत सारे वर्कर का एक साथ निकालना सैलरी स्लिप, तो उन्होंने 30 दिन में आप 28 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, तो 20 दिन का सैलरी कितना होगा उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। देखो, इसमें थीम का यूज़ करेंगे बहुत आसान से। क्लिक किया हमने, इसको सेलेक्ट किया, इस हेडिंग को इसको क्लिक किया, देखो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, यहाँ होम पर हम गए। होम पर जाने के बाद यहाँ पे हम स्टाइल देंगे, सेल का स्टाइल, हमने इसको हेडिंग बना दिया, और इस चीज़ को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कलर करते हैं, कलर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें, अब देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब इसको हम कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के बाद अब यहाँ पर आ जाओ पेज लेआउट। देखो, थीम अप्लाई करना है ना, तो आप थीम अप्लाई ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा इस चीज़ पर। ठीक है, या एक और तरीका है कि थीम को देखना हो तो आप इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर हमें चार्ट का इस्तेमाल करना हो तो हम चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्लिक किया, देखो ये चार्ट, इस चार्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हम जाएंगे पेज लेआउट और थीम का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये थीम मालूम चल जाएगा।
थीम का जो हम यूज़ कर पाते हैं ना वो होता है ग्राफिक्स में, या फॉन्ट का स्टाइल दे दिया हमने, जैसे ये होम में ये आपको दिख रहा होगा सेल स्टाइल फॉर्मेटिंग, उन चीज़ों पर अप्लाई होता है, या नॉर्मल हमारे पास ग्राफिक्स हो। ग्राफिक्स का अर्थ ये हो जाता है कि हम टेबल इस्तेमाल किए हैं, पिक्चर यूज़ किए हैं, और चार्ट का इस्तेमाल किए हैं, 3D मैप का यूज़ किए हैं, तो इन चीज़ों पर ये थीम अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे एक कलर भी है, अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो ये कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट भी ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे मार्जिन की। देखो मार्जिन यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। मार्जिन यूज़ करना हो तो जब हम पेज को प्रिंट करते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है, मैं दिखाता हूँ। इसको हम यूज़ करेंगे Ctrl F2। Ctrl F2 से मिलता है हमें प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा ब्लैंक शीट है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमने कलर किया है वहाँ पर विजिबल है टेबल। तो मैं अब दिखाता हूँ कैसे जब इसको प्रिंट करने जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। इसको हम सेट करेंगे, यहाँ पे मार्जिन क्लिक करना है। देखो मार्जिन की बात करें हम यहाँ पर, तो लेफ्ट राइट यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है ये एरिया, ऊपर का एरिया, टॉप का, और ये बॉटम का एरिया दिख रहा होगा आपको ये वाला, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम सेट करते हैं कि जो मैटर हमारा प्रिंट होकर आए, Ctrl F2 के मैंने, तो ये जो मैटर दिख रहा है ये यहाँ पर बीचों बीच हो, ठीक है। तो इस मैटर को आप यहाँ पे भी ला सकते हो। इसको लाने का तरीका ये है कि आप यहाँ इसको सेलेक्ट करो, ये रहा प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे इसको सेट कर लो एरिया। सेट करने के बाद एक काम करना हमें, प्रिंट मार्जिन में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और Ctrl F2 करेंगे आपको डेटा, देखो ये जो यहाँ दिख रहा था वो इस साइड में आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, मार्जिन पे आप जाओगे, कस्टम मार्जिन लिखा होगा, कस्टम मार्जिन पे आप जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखा कि टॉप से कितना छोड़कर, अगर टॉप से नीचे छोड़ के जाना चाहते हो तो मैं दिखाता हूँ। देखो 5.75 में लिखा है, ओके करेंगे। अब इस चीज़ को हम ना Ctrl F2 करके देखते हैं, ये देखो ये इतना एरिया छोड़कर आता है, यानी मार्जिन से क्या होता है कि ये ऊपर के हिस्से से छोड़ के नीचे जा रहा है, अगर लेफ्ट से चाहते हो तो लेफ्ट से आप दे दो एरिया, वो उतना स्पेस को गैप करके नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे आपने जाना कैसे मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में दो काम होते हैं, पोर्ट्रेट करना और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट से हम किसी भी पेज को पोर्ट्रेट टाइप में, देखो ये इसको बोलते हैं सीधा पेज है ना, इनको बोलते हैं पोर्ट्रेट पेज। और एक होता है लैंडस्केप, अगर रिपोर्ट हमारे पास बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं पेज को थोड़ा सा हम इस मॉडल में प्रिंट करते हैं। इसके बाद इसको हम डिफॉल्ट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम साइज़ की, अगर आपके पास लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है, या A4, बेसिकली जो A4 हम लोग यूज़ करते हैं जीरोक्स वाला पेपर, वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो प्रिंट करते वक्त हम लोग A4 को डिफ़ॉल्ट रखना पड़ेगा हमें, और तब हम इसको प्रिंट करेंगे तो एक्चुअली वो पूरा फॉर्मेटेड आएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट एरिया आपने देख लिया कि किसी भी मैटर को प्रिंट करना हो, मान लो इस एरिया को प्रिंट करना केवल एक लाइन, तो आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे लिखा है सेट प्रिंट एरिया, और ये एरिया सेट हो जाएगा। इसको आप Ctrl F2 करके देख लो क्या आएगा, इसमें केवल एक ही मैटर आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद सबसे एक अच्छा यूज़ होता है यहाँ पर कि आपके पास बहुत सारे रिपोर्ट हों, आप केवल चाहते हो कि ऊपर का हेडिंग प्रिंट होकर आए, नीचे का डेटा बिल्कुल ना आए, जिसके लिए आप क्लिक करो और यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया करके देखो, क्लिक किया और Ctrl F2 प्रेस करके प्रिंट पे भी चेक करो, देखो ये आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ से इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो इसमें पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, कैसे मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रेक एरिया, इंसर्ट पेज ब्रेक लगा सकते हैं हम। यहाँ पे एक अलग पेज हो सकता है, ये अलग पेज, ये अलग पेज और ये अलग पेज, इसको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे रीसेट ऑल। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड, तो देखो बैकग्राउंड का हम यूज़ बेसिकली हम करते हैं कोई लोगो लगाने के लिए, पिक्चर कोई कंपनी का लोगो है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। वर्क ऑफलाइन में आप जाओ, यहाँ से आप कंपनी का कोई आप लोगो ले लो, बहुत ही स्मॉल सा, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट बन गए और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, जैसे देखो ये यहाँ एक इमेज है, मैं क्लिक किया और इंसर्ट करेंगे, और
इंसर्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे। एक्चुअली ये फॉर्मेट चेंज है तो फॉर्मेट ये नहीं आएगा। जब हमने क्लिक किया और इंसर्ट करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हमें ऐसा भी यूज़ नहीं करना है और उसको हम क्लिक करेंगे वापस रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट टाइटल्स, प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे हम। इससे क्या करते हैं, हम पेज का सेटिंग कर सकते हैं पोर्ट्रेट लेंस का जो मैंने यहाँ बता दिया। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन की बात हो रही थी, मार्जिन आपने यहाँ से ही लिया। इसके बाद यहाँ पे हेडर फुटर है, हेडर फुटर से क्या होगा, यहाँ पे देखो किसी भी पेज का जो टॉप एरिया होता है उसे हम हेडर कहते हैं। हेडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीन सेक्शन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में एक डेट भी इंसर्ट कर लो, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख सकते हो, यहाँ लिख दो आप कंपनी का नाम, लिखे फ्रैंक सॉल्यूशन, और इसके बाद ओके कर लो। यहाँ लिखा है फुटर, तो हम यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करेंगे। हमने ऐड कर लिया सिग्नेचर, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं डायरेक्टर सिग्नेचर। आपको इसलिए बना रहे हो किसी कंपनी का या किसी ऑफिस का या किसी शॉप का, मेडिकल शॉप हो, कोई भी शॉप हो, तो आप उसमें कंपनी का नाम लगा सकते हो हर एक पेज पर और उसमें सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे अगर होगा जरूर तो कस्टमर सिग्नेचर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ ओके करो। अब यह ध्यान देना, यहाँ से ओके करो, जो हमने ऐड किया ये यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। जब हम इसको कंट्रोल F2 करेंगे तो वहाँ पे ये दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है फ्रैंक सॉल्यूशन लिखा हुआ और यहाँ पे सिग्नेचर है। तो ये स्लिप आप प्रिंट करके सबमिट कर सकते हो। आप जितना भी स्लिप प्रिंट करोगे सब में आपको दिखेगा। अगर मैं यहाँ दिखा दूँ, ये मैंने नेक्स्ट पेज में गया, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख दूँ, जिसमें लिख दिया संडे। मैं एक डेमो दिखाता हूँ करके, इस चीज़ को मुझे प्रिंट करना है तो हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करेंगे इसको एरिया को, कभी भी किसी पेज पे आप काम कर रहे हो एक्सेल के, उस एरिया को आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट एरिया, फिर यहाँ पे सेट करो। सेट करने के बाद अब देखो इसको क्या करना है, कंट्रोल F2 करके चेक करो। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो दिख रहा है डेट और ये लिखा है फ्रैंक सॉल्यूशन कंपनी का नाम, यहाँ लिखा है डायरेक्टर सिग्नेचर और यहाँ पे आपके वर्क। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल टू फिट। देखो जब हम काम करते हैं ना तो एक प्रॉब्लम होता है, कौन सा प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ। जब इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो ये पेज में डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़, ये जो लाइन दिख रहा है ना इस चीज़ को आप सेट कर सकते हो। क्लिक करो और यहाँ पे ऐसे दो पेज आपने ऐड कर लिया तो ये नीचे चला जाएगा और आपका जो वर्किंग स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे चला गया। इस तरह से हम इसका हाइट भी सेट कर सकते हैं जो हम जो काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन पर क्लिक करो तो ये जो यहाँ पे जो लाइनें आपको दिख रही थी कॉलम और रो की, हालांकि ये विजिबल टेम्प्रेरी रूप से नहीं होती है लेकिन हर जगह होती हैं। तो यहाँ पे क्लिक करो ये वापस आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रिंट। देखो प्रिंट मतलब क्या होता है, ग्रिड लाइन प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल F2 करो, आपको दिख जाएगा ग्रिड लाइन, ठीक है, आपके हर एक पेज में ग्रिड लाइन दिखेगा। या आप ग्रिड लाइन नहीं चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो और कंट्रोल F2 करो तो आपको ये दिखेगा बेसिकली एकदम नॉर्मल सा। अब हम वापस जाएंगे, यहाँ लिखा है हेडिंग्स तो क्लिक करो प्रिंट करना चाहते हो। हेडिंग्स से मतलब ये जो दिख रहा है आपको कॉलम वाला अल्फ़ाबेट ABCD ये पूरा दिख रहा होगा या नंबर। अगर आपने शीट में आप हेडिंग्स को भी प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल F2 इसको आप क्लिक कर दो प्रिंट को और कंट्रोल F2 प्रेस करो तो आपको ये पूरा दिखेगा अल्फ़ाबेट के साथ कि आपने जिस ब्लॉक में काम किया है वो कौन सा ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा ब्रिंग टू फ्रंट, ये सब है क्या, इनको यूज़ करने के लिए बहुत बहुत आसान तरीका है। आप इंसर्ट पे जाओ और यहाँ पे लिखा हुआ शेप, शेप को आप ड्रॉ कर लो कोई भी, यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आप चले जाओ इंसर्ट पर वापस और यहाँ पे एक लेबल लगा दो, लेबल लगाने के बाद इसको आप कलर करना चाहो तो आप कलर कर पाओ। इसको कलर करना हो तो बहुत ही आसान है, इसको हम कलर करेंगे और यहाँ पर इसको हम स्टाइल देना चाहते हैं और डैशेस भी दे सकते हैं। अब आप चाहते हो कि ये जो स्टार है ये फ्रंट में आ जाए तो आप फ्रंट में भी मंगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाने का तरीका है बहुत ही आसान, पेज लेआउट पे जाओ, यहाँ लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पर क्लिक कर देना।
ये क्या होगा, जो स्टार बैक साइड में था वो आगे आ जाएगा, अगर सेंड टू बैक करते हो तो ये पीछे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट टू पैन, आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे एक पैन दिखेगा। आप चाहते हो कि ये जो इमेज है, ये जो हमने शेप ड्रॉ किया है, ये यहाँ शीट पे ना दिखे, तो यहाँ पे हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लगा तो है इमेज, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं सकता। हम अपना कोई काम कर लिए, उस पर हम अपना इमेज लगाना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो हम लगा करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट पैन पे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे शो, तो हम शो भी कर सकते हैं। बहुत सारे इमेज लगा कर इसको हाइड करना और शो करना। इसके बाद यहाँ लिखा है अलाइन, अलाइन देखो क्या होता है, यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा है स्नैप टू ग्रिड, ग्रिड लाइन को शो कराना और हाइड कराना, यहाँ से भी ये काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ लिखा है ग्रुप करना, तो कंट्रोल बटन प्रेस करके हम दोनों पे क्लिक करेंगे बारी बारी। यहाँ पर लिखा है ग्रुप, क्लिक करो ये ग्रुप हो जाएगा, यानी सिंगल टच पे ये एक जगह से मूव होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रोटेट, रोटेट पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको चेंज कर पाएंगे। देख लो आपको जिस टाइप में इसको बनाना है आप बना लो बिल्कुल, ठीक है। ये रहा वीडियो का एंड।